મહારાષ્ટ્ર કોંગ્રેસના પ્રદેશ અધ્યક્ષ નાના પટોલે કેન્દ્રીય પ્રધાન નીતિન ગડકરીને કોંગ્રેસમાં આવવા આમંત્રણ આપ્યું છે। નાના પટોલે કહ્યું છે કે ભાજપમાં સર્વત્ર આંતરિક ખટરાગ છે। નીતિન ગડકરી પણ ભાજપમાં નારાજ છે અને ત્યાં તેમની સ્થિતિ સારી નથી। અમે તેમને ભાજપ છોડી કોંગ્રેસમાં જોડાવા આમંત્રણ આપીએ છીએ। તેઓ અમારી સાથે આવે અને અમે તેમને સમર્થન આપીશું। નાના પટોલે અકોલામાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા કહ્યું કે કોંગ્રેસ એક મોટી લોકતાંત્રિક પાર્ટી છે। आमा कोईपण पदाधिकारी नेता ने बोलवानो पूरो अधिकार है, परंतु भाजपा एवं नहीं। हाल में जे रीते नीतिन गडकरीनी हालत पार्टी में चाली रही है ते योग्य नहीं। केन्द्र सरकार विरुद्ध बोलनार पर ईडी सीबीआई लादवामां आवे छे। बीजेपी ना ज अनेक दिग्गज नेताओं आ वातथी नाराज है और गडकरी पण तेमनामांना एक है। नाना पटोले एम पण कह्युं के अमे टूंक समय में गडकरीने मळवाना छीए। अमे आ मामले तेमनी साथे वातचीत करी कोंग्रेस में जोड़ावानुं आमंत्रण आपीशुं। चूंटणी रणनीतिकार प्रशांत किशोरे बिहारना मुख्यमंत्री नीतीश कुमारनी दिल्ली मुलाकातने लई सवाल उभो कर्यो छे। प्रशांत किशोरे कह्युं छे के चार नेताओं साथे मुलाकातथी तेमनी साथे चा पीवाथी जनता पर कोई फरक नहीं पड़े। आ मुलाकातथी तमारी चूंटणी लड़वानी क्षमता, तमारी विश्वसनीयता अथवा एक नवो नेरेटिव बनवा संदर्भे शुं फरक पड़शे। चूंटणी रणनीतिकार प्रशांत किशोरे कह्युं छे के नीतीश कुमार जे समझदारीथी मुख्यमंत्री पद पर बनेला छे। आ 10 वर्षमां छठ्ठुं फॉर्मेशन छे अने तेमां एक वात कॉमन छे तथा ते छे नीतीश कुमारना मुख्यमंत्री बनेला रहेवुं। प्रशांत किशोरे कह्युं छे के ते खुर्शी छे के जे जती नथी। फेविकोलनो जोड़ भले तूटी जाय परंतु खुर्शी अने नीतीश कुमारनुं बंधन तूटशे नहीं। प्रशांत किशोरे नीतीश कुमारना भाजपनो साथ छोडीने महागठबंधन में जवाने लईने कह्युं के आ राज्य आधारित घटना छे। તેની અન્ય રાજ્યો પર કોઈ અસર થવાની નથી। તેમણે કહ્યું છે કે મહારાષ્ટ્રમાં પહેલામાં ગઠબંધનની સરકાર હતી અને હવે એનડીએની સરકાર છે, તેથી એ અસર બિહાર પર પડી નથી। પ્રશાંત કિશોરે કહ્યું છે કે નીતીશ કુમારની દિલ્હી મુલાકાતના બળજબરીથી મતલબ કાઢવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ આ ઘટનાની રાષ્ટ્રીય રાજનીતિ પર તેઓ કોઈ અસર જોતા નથી। પ્રશાંત કિશોરે રાહુલ ગાંધીની ભારત જોડો યાત્રા પર તેમણે કહ્યું છે કે કોંગ્રેસની આ યાત્રા જે રાજ્યોમાંથી પસાર થઈ રહી છે, જો તેનો રૂટ જોશો તો ખબર પડશે કે આ રાજ્યોમાં તો ભાજપ અને કોંગ્રેસની સીધી લડાઈ જ નથી। जो कांग्रेस भाजपनी विचारधारा ने विरुद्ध लोकोने जगाड़वा मांगे छे तो तेमने लागे छे के कांग्रेसने पोतानी यात्रा पहला ए राज्योमांथी पसार करवी जोईती हती ज्यां भाजप घणुं प्रभावी छे। आ तो एवुं थयुं के पूर्वमां लड़ाई थई रही छे अने सेना पश्चिमी छेड़ा पर तैनात करवामां आवी छे। नीतीश जी नाराज कहाँ है? नीतीश जी का एक बोलने का वो तरीका है। नीतीश जी से तो मेरे बहुत आत्मीय संबंध है। उन्होंने इस तरह की बात कही है, लेकिन नीतीश जी के इन बातों को कौन सीरियसली लेगा? अभी 1 महीना पहले तक तो नीतीश जी खुद ही बीजेपी के साथ थे। अब 17 साल वो मुख्यमंत्री, पिछले 17 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, उसमें ज़्यादातर 2/3 से ज़्यादा समय तो बीजेपी के साथ ही मुख्यमंत्री रहे हैं। तो नीतीश जी किसी दूसरे के बारे में ये बताएं कि कौन बीजेपी के साथ है या हो सकता है, थोड़ा वो बात हास्यास्पद लगती है, इसलिए उस पर कोई उसको महत्व देने की जरूरत। 2024 लोकसभा चूंटणी पहला चाली रहेल विपक्षनी एकतानी कवायतो वच्चे ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख अने हैदराबादथी लोकसभाना सांसद असदुद्दीन ओवैसीए देशमां हवे खीचड़ी सरकारनी तरफदारी करी छे। अमदावादमां पत्रकारोनी साथे वातचीतमां ओवैसीए कह्युं छे के देशने हवे नबळा वडाप्रधाननी जरूरत छे जेथी ते कमजोरोने मदद करी शके। असदुद्दीन ओवैसीए विपक्षी एकतानी कवायतमां लागेला नीतीश कुमार अने ममता बेनर्जी पर पण निशान साध्या हता। ओवैसीए कह्युं छे के आ बंने क्यारेक एनडीएनो हिस्सो हतो अने તેમણે આરએસએસની પ્રશંસા પણ કરી હતી। તેમણે કહ્યું છે કે દેશને કમજોર વડાપ્રધાનની જરૂરત છે। શક્તિશાળી વડાપ્રધાન જોઈ લીધા છે, કમજોરની મદદ કરશે। શક્તિશાળીની મદદ કરી રહ્યા છે। ઓવૈસીએ કહ્યું છે કે તેઓ ચાહે છે કે દેશમાં ખીચડી સરકાર બને, કારણ કે ગુજરાત, હૈદરાબાદ અને ઉત્તર પ્રદેશની ખીચડી અલગ હોય છે। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को और भाजपा को 306 के करीब उनके पास एमपीज हैं। उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री शिकायत करते हैं कि सिस्टम मुझे इजाजत नहीं देता है काम करने के लिए। भाई, पंडित नेहरू के बाद आप सबसे बड़े पावरफुल प्राइम मिनिस्टर बने हैं। 2 मरतबा भारत की जनता ने आपको प्रधानमंत्री बनाया। आप 8 साल प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी आप कह रहे हैं कि सिस्टम मुझे इजाजत नहीं देता। तो भाई, आपको कौन सा पावर चाहिए अभी, ताकि आप उन गरीबों को, उन किसानों को, उन नौजवानों को जो आज परेशान है उनके लिए कुछ कर सके? तो बेहतर यह है कि खिचड़ी सरकार बने, कमजोर प्रधानमंत्री बने, ताकि देश के कमजोरों का कुछ फायदा हो सके। दिल्ली ना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार 8,736 शिक्षकों ने कायमी करवाना आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार निर्णय की प्रशंसा करी है। तमाम राज्य सरकारों ने आम करवा माटे आग्रह पण कर्यो छे। केजरीवाले ऐलान पण कर्युं छे के ज्यां पण आम आदमी पार्टी सत्तामां आवशे ते राज्योमां तमाम अस्थायी कर्मचारीओने कायमी करवामां आवशे। તેમણે કહ્યું છે કે તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રએ પણ આમ કરવું જોઈએ। તેમણે કહ્યું છે કે દિલ્હી સરકાર પણ રાજધાનીમાં અતિથિ શિક્ષકોને નિયમિત કરવા માટે વિધાનસભામાં એક બિલ લાવી હતી, પરંતુ કેન્દ્ર સરકારે તેને મંજૂરી આપી નથી। केजरीवाले कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी राखवानी प्रणाली ने अत्याधिक शोषणवाड़ी गणावी सवाल उठाव्यो छे कि जो अर्थव्यवस्था प्रगति करी रही है तो राज्यों और केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी नौकरीओं में घटाड़ो केम कराई रह्यो छे।